माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सिरवल में केंद्र प्रभारी की मदद से चल रहे सामूहिक रूप से नकल कराने वाले गिरोह का मामला सामने आया है। कलेक्टर के निर्देश और गठित विशेष टीम ने मंगलवार को इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस, राजस्व सहायक आयुक्त और शिक्षा विभाग के संयुक्त अमले ने दबिश देकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। SDM ओम नारायण सिंह ने बताया, 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। मंगलवार को दूसरे पेपर के दौरान सिरवेल में सामूहिक नकल का प्रकरण बनाया है। इस केंद्र पर नकल कराए जाने की वीडियो की कलेक्टर तक शिकायत पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर गोपनीय तरीके से दबिश दी, जहां गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। केंद्र प्रभारी कक्ष से दूर बाउंड्री वॉल के पास छिपा हुआ था। वहीं एक जर्जर कमरे में कुछ लोग गाइड, कुंजी, किताबों के साथ बैठे थे। कार्बन कॉपी की मदद से नकल सामग्री तैयार कर रहे थे। मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। रात को कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेशित हुआ है कि सिरवेल में कहीं पर एक सामूहिक रूप से रैकेट के माध्यम से नकल कराई जा रही थी विधिवत, उसका वीडियो भी प्राप्त हुए थे और जानकारी हुई थी। तो कलेक्टर महोदय द्वारा रात को ही विशेष टीम गठित करके आज कार्रवाई के लिए उन्हें संज्ञान में दिया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि गोपनीय तरीके से इसको कार्य को पूरा किया जाए। इसी संदर्भ में सुबह से तहसीलदार, आदिम जाति कल्याण विभाग के गुप्ता जी, जिला शिक्षा अधिकारी, मैं, पुलिस का अमला सिविल में, राजस्व का अमला, दूसरी गाड़ियों के माध्यम से बड़ी परीक्षा केंद्र में हमारे द्वारा दबिश दी गई थी। कितने लोगों के खिलाफ? हाँ, वहाँ क्या हुआ, जब दबिश दी गई तो वहाँ पे गतिविधि संदिग्ध मिली। संदिग्ध गतिविधि के बाद हमारे परीक्षा केंद्र के बाहर एक परीक्षा का अधिकारी पास की बाउंड्री वाले के पास सुनसान मकान के पास पाया गया। तो जब वह उसके पास गया, उसका ब्लैकेट लगा था, तो वो फिर छुपने का प्रयास कर रहा था और वहाँ पर एक पीछे वाले कमरे से जाता मिला। जब हमने वहाँ पर उसको पकड़ा और अंदर जब देखा तो वहाँ करीब 9 लोग थे, जो वहाँ पर नकल की बहुत सारी गाइडें, पर्ची लिख रहे थे, कार्बन पेपर लगे हुए, पेन वगैरह, मतलब पूरी व्यवस्थित तरीके से रैकेट चला रहे थे। तब हमने दबिश देके सभी लोगों को पकड़ा। वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, कुल 9 लोग हैं वो, और उनको ला करके अभी विधिवत कलेक्टर महोदय को जानकारी दी गई है, SP महोदय को दे दी गई है और कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार उसमें विधिवत कार्रवाई हमारे शिक्षा अधिकारी और ट्राइबल के कर रहे हैं। प्राथमिकता दर्ज की जा रही है और आगे विधिवत कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। पता ही है कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं। कल कलेक्टर साहब को जानकारी मिली थी कि उस क्षेत्र में कुछ संगठित तरीके से नकल कराई जा रही है, तो आज एक बड़ी टीम बना के SDM खरगोन के नेतृत्व में वहाँ रेड हुई है। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करा। केली गाँव था, केली वहाँ बड़े पैमाने पर होता था, लाइक पहाड़ी पर चढ़कर सर वो देखते थे कि कोई आते नहीं रहा। पिक्चरों की स्टाइल, फिल्मी स्टाइल में चलता है। ऐसे कितने सेंटर यहाँ पे ऐसा हो सकता है? सर एक तो झिन्या तो है सर, झिन्या दिखाएगा, झिन्या प्रॉपर में। केली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।